सड़क से लेकर संसद तक हरे कृष्णा हरे राम, विदेशों में गूंज रहा सनातन धर्म का नाम, सड़कों पर निकली रैलियां, लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन। मजहबी कट्टरपंथियों की इन्हें न चिंता है न कोई फिकर। फिरिंगियों को मुंह जवानी याद है श्री कृष्ण की श्रीमद भगवद गीता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचाओ जो हो हिंदू धर्म से अछूता। हेडलाइन देखकर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब या तो सभी जानते हैं कि दुनिया में लगभग सभी देशों में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें आप अमेरिका, यूरोप, रूस जैसे देशों को प्रमुख रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर न केवल शहर की सड़कों पर बल्कि पार्क, गलियों, मोहल्लों में भी लोग सरयाम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं और हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे की धुन पर नाचते और थिरकते हैं, और उन्हें ऐसा करने में बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आती। लेकिन चर्चा तब जोरों पर आई जब बीते महीने इटली की एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि इटली में मुख्यतः ईसाई धर्म को माना जाता है, लेकिन यहाँ की राजधानी रोम में इटली की संसद भवन बना हुआ है। वहाँ पर एक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। यहाँ पर श्री कृष्ण का भजन कीर्तन किया गया और जमकर हरे राम हरे कृष्ण का जाप किया गया। इसका पूरा कवरेज यहाँ की मीडिया ने लिया और सभी चैनल्स को टेलीकास्ट भी किया गया। यहाँ के लोग हिंदू धर्म को अपना चुके हैं और खुलकर धर्म की बातें करते हैं। यहाँ के फिरिंगियों को मुंह जवानी श्रीमद् भगवद गीता याद है, और अगर कोई हिंदुस्तानी इनसे इस बारे में तर्क करता है तो उसे भी निरुत्तर होना पड़ता है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से इटली में बेफिक्र होकर लोग नाचते गाते हुए श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, और इन लोगों का मानना है कि ऐसे करने से उन्हें अवसाद से छुटकारा मिलता है। दरअसल 1966 तक हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन केवल हमारे भारत में ही किया जाता था, लेकिन 1984 से पूरी दुनिया श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी है और इसका पूरा श्रेय भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को दिया जाता है। 1966 में स्वामी जी ने अपने कीर्तन और भगवत गीता के माध्यम से अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की थी, और यहीं से पूरे विश्व में श्री कृष्ण की भक्ति और सनातन की भक्ति की नींव रखी गई। और आज के समय में इस्कॉन मंदिर वेस्टर्न कंट्रीज में सनातन धर्म को बढ़ावा देने की मूल जड़ माना जाता है, और शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहाँ पर इस्कॉन मंदिर की शाखा न हो। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली या विदेशी हर साल एक बार तो वृंदावन आते ही हैं, और श्री कृष्ण की भक्ति का जुनून इनके सर पर कुछ इस तरह का दर है। ये लोग प्लेन में भी श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं और सड़कों पर ही उनकी भक्ति में इस कदर डूब जाते हैं कि जो लोग इनका विरोध करते हैं इन्हें उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन पहलुओं को देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि वास्तव में सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसकी महत्वता अब पूरे दुनिया को समझ में आ रही है, और न केवल भारत बल्कि विदेशी लोग भी सनातन धर्म को अपनाने में पीछे नहीं है। तो कैसी लगी आपको यह खबर, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।